जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है की अलर्ट टू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेके बोस लेटेस्ट अपडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए रहने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं जो कि आप जानते हैं जैसा कि वीना पंडिता जो कि हमारी जेके बोस की चेयरपर्सन है, तो उनका यहां पर लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है। तो किन के लिए इंटरव्यू है मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो है क्लास 10th, 11th और 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए है। और मैं आपको बता दूं जो कि जम्मू डिवीज़न विंटर जोन और कश्मीर डिवीज़न विंटर जोन के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। उन्होंने यहां पर बता दिया कि कब से आपके जेके बोर्ड जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, कितनी आपको सिलेबस रिडक्शन हुई है, और साथ में सभी जो आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप वाइस को सुनते हैं। के इम्तहानात मुनक्कद कराने के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी। इत्तला के मुताबिक 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात एक साथ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल उम्मीदवारों के निसाब में 30% कमी का ऐलान किया है। इम्तहानात में शामिल होने वाले तलबा को सिर्फ 70% पर्चा ही हल करना होगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन प्रोफेसर वीना पंडिता ने आज शाम शहरबीन को बताया कि अब की बार निसाब में कमी के साथ साथ और इम्तिहानी अवकात में भी आधे घंटे की कमी की गई है और प्रैक्टिकल इम्तिहान सालाना इम्तिहान से कबल स्कूलों को लेने की हिदायत दी गई है। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ले लिया, एक एकेडमिक कमेटी फैसला था बेसिकली जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला कि हमने 30% का कंसेशन दिया। इस बार बच्चे 70% क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर जो हमारे वेबसाइट पे भी जो क्वेश्चन पेपर जो दिए गए हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आएगा 100 मार्क्स का, और बच्चे को उसमें से अपने तरीके से चूज करना है 70% मार्क्स उसको अटेम्प्ट करना है, और वो 70% मार्क्स वो कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकता है पूरे 100% मार्क्स में से। लेकिन एक ही ख्याल रखना है, एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जो इंटरनल चॉइस है वो बच्चे को उसमें वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी है, इन दोनों के बीच में एक इंटरनल और लिखा है चॉइस दिया हुआ है, इन दो में से वो एक ही कर सकता है। अदरवाइज जितना भी 100% मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से वो कोई भी 70% अपनी मर्जी से कर सकता है, और इसी को हम प्रपोर्शनली फिर इंक्रीज करेंगे 100% में। ये बताया जा रहा है कि इस बार आपने जो 3 घंटे का वक्फा है उसमें कमी की है। टाइम स्लॉट हमने इस बार थोड़ा कम किया है, उसमें ये भी एक रीजन है कि बच्चे को कम से कम एक्सपोजर जो ये कोविड टाइम है इस टाइम पे जो भी है, और जिसमें प्रपोर्शनेटली जितना हमने को अटेम्प्ट में कम मतलब चॉइस दी है उतना ही हमने खैर उससे कम हमने टाइम कंटेन किया है। मतलब 3 घंटे का जो पेपर हुआ था मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए उसमें हमने 2.5 घंटे का टाइम दिया है 70% मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऐसे ही अगर कोई 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर था तो उसको हमने 2 घंटे 10 मिनट में कन्वर्ट किया है, तो ऑलमोस्ट वही 25% हमने ऑलमोस्ट 20-25% टाइम जो है वो स्लॉट कम कर दिया है। क्या अंदाजा है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कब तक 10वीं और 12वीं जमात की इम्तिहान कंडक्ट कर पाएगा? हाँ जी जी, हमने ये सोचा है कि हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट कर पाएंगे एग्जाम। अभी हम चल रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ है कि हम लोग ये कर पाए, तो यही सोच के हम चल रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या एट द मोस्ट 1st नवंबर से हम लोग पेपर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने स्कूल्स को हिदायत दी है कि हम लोग इनका प्रैक्टिकल करवा सकें, तो होपफुली हम लोग लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए तैयार हो रहे हैं। भी अपील है कि वो अपने आप को उसी तरीके से तैयार करें। तो पहले 10वीं का एग्जाम हो रहा है कि 12वीं का? नहीं, हम साइमल्टेनियसली 10वीं और 12वीं स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। तो प्रैक्टिकल के हवाले से लास्ट ईयर की तरह ही इस साल स्कूल लेंगे? जी 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 जी, प्रैक्टिकल के हवाले से भी लास्ट ईयर स्कूल ही ले लेंगे, इसका लास्ट ईयर की ही तरह वो ही पैटर्न रही। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मेहनत करें, अपने ऑनलाइन पढ़ाई तो उन्होंने की है, क्लासेस नॉर्मली लगे हैं, प्रॉपरली लगे हैं ऑनलाइन, तो स्कूल जो टीचर्स हैं वो इन टच रहते हैं बच्चों के साथ, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई पे अभी ये 2 महीने हैं ऑलमोस्ट, इस 2 महीनों में बहुत अच्छे से काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान दें, और जो उनके लिए बेस्ट होगा अपना टाइम जो है मेनली जो एग्जामिनेशन का टाइम है जो उनको 2.5 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट मिलता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, कि पहले ही चॉइस बनाएं कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं,
उनको टिक मार्क करे और फिर अटेम्प्ट करना शुरू करे। उससे ये होगा कि उनका टाइम यूटिलाइजेशन जो होगा वो बेस्ट तरीके से होगा। दसवीं और बारहवीं जमात के इम्तहान अक्टूबर के। दोस्तों अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।